हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आज मेरे किचन में बन रहा है बिहारी कबाब। तो बने रहे मेरे साथ, इसके इंग्रेडिएंट नोट करें, इसके स्टेप्स को देखें और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो अंत तक इस रेसिपी को एंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मटन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है मटन की ड्रेसिंग करना, इसकी स्लाइसेस को चिकना करके फीते की शक्ल में तैयार करना। इसमें चर्बी के पार्ट नहीं रहने चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन जिसे आता है वो इसे बड़ी आसानी से बना लेते हैं। और ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए हमें मीट की इस पट्टियों को तैयार करना ज़रूरी होता है। इस तरह से मीट बहुत जल्दी गल भी जाता है। अब इसका दूसरा मुख्य इंग्रेडिएंट जो है वो है कच्चे पपीते का पेस्ट। इस कच्चे पपीते के पेस्ट को घर में तैयार करना ज़्यादा अच्छा होता है, देखिए। और इसे मैंने लगभग 2 महीने पहले क्यूब बनाकर फ्रीज़र में डाल दिया था। इसका मेज़रमेंट ये होना चाहिए कि 1/2 kg में लगभग 2 tablespoon आप कच्चा पपीता डाल दें, और ये उतना ही है। ये मीट का गलावट होता है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है पोस्ते दाना का पेस्ट, यानी पॉपी सीड पेस्ट, जिसे खशखाश भी कहते हैं। ये इस तरह का होता है और इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो 1/2 kg मटन के कबाब में 2 tablespoon पोस्ता दाना डालना चाहिए। लेकिन इसे मैंने बारीक करने के लिए इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च भी मिलाई है, तो लगभग 4 tablespoon मैं ये पोस्ता दाना इसमें डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि इसका मिक्सी में पीसना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपकी मिक्सी बहुत ही पावरफुल है तो ही आप इसे बारीक कर सकते हैं, वरना किसी हेल्पर की मदद से आप इसे सिल बट्टे पर पिसवा कर 1 दिन पहले रख लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दही। दही इसका की इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैं मार्केट वाली दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर का दही है तो आप घर वाला दही इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप उससे पानी को छानकर अलग कर लें। ज़्यादा पानी वाला दही नहीं डालना है। मैं यहाँ पर 3 tablespoon दही डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों के साथ हमें इसे खूब अच्छी तरह से रब कर लेना है, हाथों से मसाज कर लेना है। हाथों के बगैर काम चलने वाला नहीं है। तो हाथों से मसाज करने से ये सारे पीसेज में लिपट जाएगा और पोस्ता दाना की वजह से पीसेज से पानी नहीं निकलेगा। इसमें बहुत से लोग पिसा हुआ प्याज भी डालते हैं। अगर आप पिसा हुआ प्याज डालना चाह रहे हैं तो पीसने के बाद आप उसे छन्नी पर छान लें और उसका पानी अलग कर लें। इसमें हम लहसुन नहीं डालेंगे, सिर्फ अदरक डालेंगे। लहसुन से कबाब में एक अच्छी स्मेल नहीं आती है। जब वो पक जाता है तो उसकी स्मेल डोमिनेट करती है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमें नमक भी नहीं डालना है, ना ही किसी तरह का तेल डालना है। तेल इसके पोर्स को बंद कर देता है और नमक बहुत जल्दी पानी रिलीज करवा देता है। अब इसमें हम 1 teaspoon भरकर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं। ये तीखी वाली लाल मिर्च है। ज़्यादातर हमारे यहाँ रात में ही ये इतना काम करके रख दिया जाता है और सुबह में इसके कबाब बनाए जाते हैं। तो ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद अब इसे मैंने निकाला है और आप देख सकते हैं कि मसाले को मीट ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हमें आगे की प्रोसेस को करना है। अब एक मीडियम साइज प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाए। अब इसे हाथों से क्रश कर लेना है। ब्राउन किया था उसे 1 चुटकी नमक डालकर हमने हाथों से क्रश कर लिया है, तो उसे इसमें डाल देना है। अब ये क्रश की हुई प्याज डालना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर,
जो कि हमने अभी तक इसमें नहीं डाला था। सबसे आखिर में डालने से इसकी खुशबू ज़्यादा देर तक कायम रहेगी और ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगा। साथ ही मैंने ध्यान आपने किया होगा कि मैंने नमक अभी तक नहीं डाला है, तो इसी लास्ट स्टेज पर हम इसमें नमक डालने वाले हैं। स्वाद के अनुसार डाल लेना है। और एक ख़ास चीज़ है बिहारी कबाब का असल एसेंस मस्टर्ड ऑयल। इसके बगैर इसमें वो ख़ास मज़ा नहीं आता जो कबाब में, बिहारी कबाब में होता है। तो ये यहाँ की लोकल चीज़ है। हमारे सारे खाने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाए जाते हैं, तो इस तेल से इसमें वो अच्छी सी खुशबू आने वाली है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, जो कि इंग्लिश मस्टर्ड होता है, आप वो डाल दें और एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लें। यहाँ पर तेल डालना ज़रूरी है, इससे कबाब में एक ग्लेज भी आता है और कबाब के पोर्स बंद रहते हैं, इससे पानी स्पिल नहीं करता है, तो ये मसाले को अपने अंदर पकड़ कर रखता है। अब सबसे आखिर में हम यहाँ पर 1 टीस्पून नींबू का रस डालने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है, वरना ये बहुत खट्टा हो जाएगा। बस एसेंस के लिए ही हमें नींबू का रस इस्तेमाल करना। तो फाइनली अब इसमें लगाने की बारी है, इस सीख में लगाने की बारी है। बेसिकली तो ये पुराने वक्तों में लोहे की सीख में, जिसमें लकड़ी का मूठ लगा रहता था और लोकल बढ़ी उसे बनाते थे, उसी में ये पुराई जाती थी। लेकिन अब इसे हम अपने सहूलत के हिसाब से छोटे छोटे लकड़ी के स्क्यूअर में लगा ले दे रहे हैं। ये जिक जैक स्टाइल में इन फीतों को लगाना है और बस यही तरीका है बिहारी कबाब बनाने का। पहले जाए तो इस मसाले में थोड़ा सा बटर और गेहूं का आटा या घी और गेहूं का आटा डालकर उसकी भी सीख कबाब बनाकर आटे का कबाब भी साथ साथ बनाया जाता है। बिहारी कबाब के साथ आटे वाला कबाब भी ज़रूर बनाया जाता है। कोई ओवन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने ज़रा सा सरसों के तेल से तवा को ग्रीस कर लिया है और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है। बिहारी कबाब पीला पीला नहीं दिखता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर जो हमने तली हुई प्याज क्रश करके डाली थी उससे आता है और उसी की वजह से कबाब पानी नहीं रिलीज करता, बिल्कुल सूखा रहता है। अब कबाब गल भी गया है और सूख भी गया है, मगर अभी इसमें एक फाइनल काम और बाकी है और बहुत ही आसान तरीका है। बिना ओवन के, बिना किसी झंझट के आप जब चाहें तब इस तरह से कबाब बना सकते हैं। और जब ये पकने के पास आसपास होता है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल टपकने लगता है। ये तेल पोस्तादाना से, दही से और जो हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है उससे आता है। हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे बिहारी कबाब की फरमाइश की थी, मैंने कोशिश की है कि उनको ख़ास टेस्ट जो बिहारी कबाब का होता है वो उन्हें दे सकूँ। तो मैंने कहा था कि इस तरह से पानी बिल्कुल नहीं टपकेगा और मसाला बिल्कुल कबाब के बीच में जकड़ कर रहेगा, यही बिहारी कबाब की स्पेशलिटी है। और एक और फाइनल टच इस पर देना बाकी है, वो है घी की कोटिंग। घी की कोटिंग करने से न सिर्फ इसमें मज़ा बढ़ जाता है बल्कि ये बहुत ही मॉइस्ट हो जाता है और 2 से 4 दिन तक ये फ्रिज के बाहर भी रखने पर ख़राब नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो कबाब सिर्फ लुक वाइज ही देखने की चीज़ नहीं है, बनने के बाद मन में ये ज़रूर रहता है कि ये कितना अच्छा बना है। देख इस तरह से बनकर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बिहारी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, जो कि आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। इसे आप मेरे तरीके से बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको मायूस नहीं करेगा।